स्क्रीन पर आप जिस घातक हाइपरसोनिक तोप को देख रहे हैं वो दरअसल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन है जो 8,500 किलोमीटर पर आवर की हैरतअंगेज रफ्तार से बुलेट दाग सकती है। जी हाँ गाइस, पारंपरिक हथियारों में एमुनेशन को आमतौर पर एक्सप्लोजिव या प्रोपेलेंट का उपयोग करके लॉन्च किया जाता है, जबकि रेलगन में एमो को लॉन्च करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का उपयोग किया जाता है, जिसे एक रेलगन किसी भी आम बंदूक की तुलना में लगभग 50 गुना अधिक तेजी से बुलेट दाग सकती है, जो इसे इतना लीथल बनाता है कि ये 200 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निशाना बना सकती है। वहीं इसके प्रोजेक्टाइल्स दूसरे हथियारों की तुलना में कम खर्चीले होते हैं और चूंकि बिजली उनके प्रोपल्शन को पावर देती है तो उन्हें किसी भी तरह के इंटरनल प्रोपेलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि रेलगन्स के साथ एक प्रॉब्लम भी है, पर उसे जानने से पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। गाइस, एक रेलगन को फायर करने के लिए आपको हर सेकंड 25 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी, जिसे जमीन पर तो उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन किसी एयरक्राफ्ट या जहाज पर हर सेकंड इतनी इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करना आसान काम नहीं है।